दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो गया है और इस सत्र के बारे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार प्रश्न उठा रहे थे। वो गैरसैंण को ढूंढने की बात कर रहे थे और जब आज सत्र शुरू हो गया है, सरकार ने इसके लिए विशेष तैयारियां की थी। देहरादून में सुरक्षा और तैयारियों से संबंधित बैठक की गई थी। गैरसैंण में अधिकारियों को भेजा गया, वहाँ पर निरीक्षण किया गया और तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो गैरसैंण पहुँच चुके हैं। आज से 3 दिवसीय सत्र शुरू हो चुका है और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष लगातार गैरसैंण के साथ खिलवाड़ बता रहा है और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता पूरी करने वाली बात कह रहा है कि सरकार सिर्फ औपचारिकता ही पूरी कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी भी रहे, और उन्होंने सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा है, पहले गणेश गोदियाल को सुनते हैं, उसके बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है उस पर नजर डालेंगे। आज ठीक 17 महीने बाद गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद मैं समझता हूं कि 11 बजे वहां पर सत्र प्रारंभ होगा और ये अच्छी बात है कि गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जा रहा है। जैसे कि लगातार मुख्यमंत्री धामी जी पर इस बात के आरोप लगते आ रहे हैं कि वो भेदभाव के चलते, क्षेत्रीयता के साथ भेदभाव के चलते बहुत ही आरोपों में घिरे हुए हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री धामी जी अपने इन आरोपों को बचाने के लिए, इन आरोपों से स्वयं को बचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ऐसी बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद, 17 महीने के बाद उन्होंने ये कोशिश की, उन्होंने ये साहस कर पाए कि वो गैरसैंण में सत्र का आयोजन करें। लेकिन इस सत्र में मैं सभी माननीय विधायकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सभी माननीय विधायक मुख्यमंत्री जी से कल के दिए हुए उनके बयान पर निश्चित रूप में बात उनसे पूछेंगे, सफाई मांगेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि दिल्ली की उस संस्था को आदेश दिया गया है कि वो केदारनाथ नाम से कोई मंदिर नहीं बनाएंगे, कोई संस्था में इस प्रकार का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन मैं सबको अवगत कराना चाहता हूं कि कल ही शाम को मुख्यमंत्री जी के इस कथन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, जो कि उन्होंने केदारनाथ में वर्चुअली फोन पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इसके बाद जब कल शाम को किसी व्यक्ति ने उस केदारनाथ तथाकथित केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली में डोनेशन के लिए 1 रुपए डाला, तो वो 1 रुपए उस धाम, उस ट्रस्ट में पहुंच गया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुनः एक बार उन्होंने केदारनाथ की जनता को और बाबा केदारनाथ को झूठ बोलकर बरगलाने का अपराध किया है और इस अपराध को मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण और सदस्यगणों के साथ साथ विधानसभा की अध्यक्ष रितु खनूड़ी जी, मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आज सदन में रिकॉर्ड करेंगी, आप आदेश देंगी कि सरकार इस सभी कार्यों को रोककर कार्य स्थगन करके और इस बहुत ही लोक महत्व के प्रश्न पर आज चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री जी से उनका स्टेटमेंट लेंगे, क्योंकि विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत है हमारी प्रदेश की और ऐसी सबसे बड़ी पंचायत में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनसे जरूर उनका वक्तव्य लेंगे। जहां तक बात क्षेत्रीयता की है, लगातार धामी जी पर ये आरोप लगते आ रहे हैं और केदारनाथ में जो कुछ हुआ, जिस प्रकार से वो दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर को स्थापित करने में उनकी भूमिका रही, कुछ कुछ ये बात सही भी साबित होती है और अफसोस इस बात का है कि यहाँ के ये नेता जो सिर्फ अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, ये इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी के सामने, उनके पक्ष के जो नेता अपने स्वार्थों में लिप्त हैं, मुख्यमंत्री के जी के सामने जुबान खोलने को तैयार नहीं है। निश्चित रूप में इन नेताओं की इच्छा शक्ति बौनी नजर आई और बौनी इच्छा शक्ति के चलते ये यहाँ के लिए न्याय कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो इसलिए रितु खनूड़ी जी, आज नजर आपके ऊपर है कि आप इस प्रश्न पर निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से सदन में वक्तव्य मांगेंगी। धन्यवाद। दोस्तों गणेश गोदियाल लगातार पुष्कर सिंह धामी पर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के संबंध में निशाना साधते हुए आए हैं। कल उन्होंने एक लाइव वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान सुनाया था।
केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली और केदारनाथ धाम के बारे में लगातार गणेश गोदियाल जिस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। अब उन्होंने विधायकों से भी ये निवेदन किया है कि गैरसैंण में जो सत्र है उस सत्र में पुष्कर सिंह धामी से ये सवाल जरूर पूछा जाए। और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से भी निवेदन किया है कि केदारनाथ मंदिर के संबंध में पुष्कर सिंह धामी से वक्तव्य जरूर लें और उसे रिकॉर्ड करें। देखना होगा क्या केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली के संबंध में गैरसैंण सत्र के दौरान चर्चा होगी या नहीं, इसका इंतजार हर किसी को रहेगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गैरसैंण कहाँ है, उन्होंने कुमाऊनी, गढ़वाली और हिंदी तीन भाषाओं में ये प्रश्न पूछे हैं और लगातार वे प्रश्न पूछते हुए आ रहे हैं। उन्होंने गैरसैंण सत्र से पहले मौन व्रत रखने का भी निर्णय लिया था और अब तीन दिवसीय सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। गैरसैंण के साथ जो धोखा हो रहा है पिछले 7-8 साल से ठगा जा रहा है और सबसे बड़ा उदाहरण सपने का है, बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है, लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर, ग्रीस पानी ही सही, लेकिन कहीं तो होगी, गैरसैंण में होगी, अगल में होगी, बगल में होगी, किसी गांव में होगी, किसी टोप में होगी, किसी गाल में होगी, किसी गधेरे में होगी, कहीं। हम अपनी बहनों से भाइयों से सबसे पूछते हैं कहीं उसका आता पता है। पहले यहाँ SDM बैठता था, अब SDM भी कभी कभी बैठता है, कभी नहीं बैठता। डॉक्टर्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, गैरसैंण समस्याओं की का भंडार बन गया है। और एक तरफ हम गैरसैंण में विधानसभा सत्र करते हैं और दूसरी तरफ समस्याओं का गैरसैंण में अंबार लगा हुआ है। गैरसैंण को भाजपा ने गैर बना दिया है और इसके खिलाफ आज मैं 1 घंटे का मौन व्रत रखूंगा। बाकी हमारे सब साथी अपनी अपनी बात कहेंगे और हम लोग जो है यहाँ पर जो स्थानीय समस्याएं हैं, हमारी महिला मंगल बल बहुत बड़ी संख्या में आई है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। मैंने कहा समस्याओं का ढेर बन गया है और उसका निदान नहीं किया जा रहा है। आज गैरसैंण में एक औपचारिकता पूरी की जा रही है, राजस्थान विधानसभा में 3 दिन के सत्र, 1 दिन श्रद्धांजलि में जाएगा, 2 दिन केवल सत्र चलेगा। दरअसल अपमान है गैरसैंण का भी, गैरसैनियत का भी और उत्तराखंडियत का भी और उत्तराखंड का भी। हम इस अपमान बाद आप 1 घंटे का लड़ाई छेड़ेंगे और मैं सब लोगों से आह्वान करने जा रहा हूँ कि लोग जहाँ कोई भाजपा वाला मिले तो उसे इतना जरूर कहें कि नमस्कार भैया, जरा हमको वो स्थान का पता बता दो जहाँ तुमने हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में।